हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अगर नहीं होते वीडियो देख के हो जाओगे। सो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं वाटर पार्क में, यहाँ पर हमारे सिटी से थोड़ा दूर। ठीक है, क्यों जा रहे, कैसे जा रहे, कौन कौन जा रहे, सब आपको बताऊंगा। सो बने रहना, लेट्स गो। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं वाटर पार्क क्योंकि आज हमारे एक दोस्त का बर्थडे है, मेरा रूममेट बापू का। ठीक है, हैप्पी बर्थडे, सब वो कमेंट्स में बोल दो। ये हमें स्पॉन्सर कर रहा है आज ट्रिप के लिए, सो हैप्पी बर्थडे। और इसको आप जानते ही हो। ये देखो, हम 12 लोग जा रहे हैं, ये सब अभी बैठे हैं। ठीक है, उसको भी आप जानते हो, इसको भी आप जानते ही होंगे, उसको नहीं जानते होंगे। अच्छा, नहीं जानते। ये देखो दोस्तों, आज बजट निकला है तो बहुत टेंशन है। और ये हमारे आज के वाइस कैमरामैन, सो ये भी आ रहे हैं, यश भाई भी आ रहे हैं, और भी 3 लोग आ रहे हैं। सो हम टैक्सी कर रहे हैं अभी। ठीक है, अभी टैक्सी थोड़ी महंगी हो रही है, जैसे सस्ती होगी हम बुक करेंगे। अब उन्हें तो क्या होगा दोस्तों, ये तो बुरा मान के जा रहे हैं ब्रज। तो दोस्तों, पहली टैक्सी आ चुकी है, ये लोग जा रहे हैं अभी, और 4 लोग हम उनका वेट कर रहे हैं, फिर हम सब साथ में जाएंगे यहाँ से। ठीक है, हम चारों एक टैक्सी में जाएंगे, मैं चौथा, ये 3। ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, रशिया का वाटर पार्क देखने को मिलेगा। इतना बड़ा भी वाटर पार्क नहीं है, लेकिन ठीक ही। दोस्तों देखो, बाकी के लोग आ चुके हैं। ठीक है, ये हमारे चिराग भाई सब चड्डी में आए हैं, पता नहीं क्यों, सोची लुक है। बीच पे नहीं जा रहे, इनको किसी ने बताया नहीं कि बीच पे नहीं जा रहे। तो दोस्तों, सब चड्डी में आ रहे, पता नहीं क्यों हम मिस कर दिए फैशन। 1, 2, 3, 4। ये हमारे पाठक भाई, आप लोग नहीं जानते होंगे, मिल लीजिए, बहुत ही विद्वान आदमी है ये। हमने टैक्सी करवाई थी इन लोग से पहले, इन लोग की टैक्सी आ गई हमारी, वहाँ दूर खड़ी है, दिख रही है वो येलो कलर वाली। यश भाई का कमाल है ये सब। यश भाई क्या कहना चाहोगे? चड्डी गैंग जा रही है। ओ भाई, जय हिंद। लेडीज ने ध्यान रख दिया। तो दोस्तों, आ गई है हमारी टैक्सी फ्री, ब्रांडेड, स्पॉन्सर्ड। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए अभी जहां पर हमें आना था। ये बहुत दूर था, 20-22 किलोमीटर, सो बहुत टाइम लगा हमें आते आते। बीच में टैक्सी भी धीरे धीरे चल रही थी। और दोस्तों, एक बात पता चली टैक्सी वाली से बात करते करते, बहुत बातें की उसके साथ। सो हम ऐसी बात कर रहे थे और उसने बोला कि रुको। तो दोस्तों, वो उसने बात बताई कि मैंने पूछा कि आपने पढ़ाई क्या की है, तो उसने बोला कि मैंने वकील की पढ़ाई की है, मतलब एडवोकेट की। तो मैंने बोला, वो काम क्यों नहीं करते आप? तो उसने बोला कि बस ऐसे ही, उसमें कम पैसा है। मैंने बोला, कितना कम पैसा? बोलता है 50-60 हज़ार। तो मैंने बोला, 50-60 हज़ार कम है? तो बोलता है कि, मैंने कहा इसमें कितना कमा लेते हो टैक्सी चला के? तो बोलता है, ये कंपनी की गाड़ी है तो इसमें हर महीने 80 हज़ार, और ऐसे अगर मेरी खुद की गाड़ी हो तो 1.5 लाख रुपये पर महीने कमा सकते हैं, ऐसा बोले। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर टैक्सी चला के भी कितना। और ये दोस्तों, ये है जगह गेदू को, यहाँ पर हम आए हैं। ये सब हम हमारे से पहले पहुँच गए थे, जो वेट कर रहे थे। ये टिकट काउंटर है, टिकट ले चुके हैं। और ये कुछ ऐसा है, यहाँ ठंडा पानी है, ये डीप है, वो कम डीप है। सो दोस्तों, सामान रखने के लिए जगह चाहिए थोड़ी सी। भाई
जो दोस्तों अभी तक तो बहुत ही मजा आ रहा है, ठीक है। हम सब एक साथ मिलके यहाँ पर खूब सारे मजे कर रहे हैं, देख सकते हो आप। यहाँ पर कहीं गेम्स खेल रहे हैं, कहीं स्लाइड कर रहे हैं, बहुत कुछ मजा आ रहा है, ठीक है। आगे भी ऐसी मजा आएगा, तभी आपको सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। बने रहना इन तक। कैसा मजा आ रहा है कि नहीं सौरभ? फुल मजा आ रहा है भाई, फुल मजा आ रहा है। आपको एक नंबर, आपको ढोल एक नंबर बाय, कोई कोई नहीं कोई शक। देखो बर्थडे, बर्थडे बॉय संबरीन। तो दोस्तों बहुत भूख लगी थी, तो हमने यहाँ पर पिज्ज़ा मंगवा लिया और खा भी लिया, और व्लॉग बनाना भूल भी गए, सब कार है। दोस्तों टाइम आ गया है वापस जाने का घर, तो जब चेंज वेंज करेंगे और फिर चल देंगे घर की ओर। तो दोस्तों हो गया वाटर पार्क का एक्सपीरियंस ख़त्म, अब हम जा रहे हैं वापस अपने हॉस्टल की ओर। बहुत थक गए हैं, ठीक है, काले वाले हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, बहुत मज़े आए, बहुत सारे मज़े आए खाने पीने में। बहुत थक गए हैं भाई, सब सब का हालत देख लो दोस्तों। सब थक चुके हैं, सब टैक्सी करवाएंगे और चले जाएंगे। ये है गेदू को और बस अब जाएंगे दोस्तों। जैसा व्लॉग बना मैंने ट्राई किया अपना करने का, क्योंकि मेरे पास फ़ोन था नहीं, ठीक है, और मतलब कि फ़ोन रखा था लेकिन बैग में रखा था, और मैं वहाँ पर लेके जाने का रिस्क नहीं उठाना चाहता था। पता चला मस्ती मस्ती में फ़ोन ही गिर जाए पानी में, तो उससे अच्छा मैंने अवॉइड किया। लेकिन जितना बन सका मैंने बनाया, ठीक है, और चार्जिंग भी नहीं था इतना, और पावर बैंक में लेके आया था लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली काम नहीं कर रही थी। सो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ के साथ हमने ट्रिप की, लेकिन हमें तो बहुत मज़ा आया, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ, बहुत मज़ा आया। वॉलीबॉल खेले, बहुत कुछ एक्टिविटीज़ की हमने यहाँ पर, ठीक है, और अब हम जाएंगे वापस हॉस्टल, ठीक है। कमेंट कर देना। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब कुछ कर देना, ठीक है।